प्रेम, ये प्रेम मनुष्य से क्या नहीं करवा सकता, बड़े से बड़ा कार्य करवा सकता है, बड़े से बड़ी बाधा पार करवा सकता है। चाहे तो मरुस्थल में कुआं खुदवा सकता है, पर्वत लंगवा सकता है, हर असंभव कार्य संभव करवा सकता है। किंतु यदि मैं ये कहूं कि प्रेम आपसे ढोंग भी करवा सकता है, तो क्या आपको उचित लगेगा? क्या आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है? अवश्य हो सकता है। जैसे मैं ढोंग कर रहा हूं इस समय अपनी राधा के लिए, अपनी प्रेम के लिए। मैं राधा से अनंत प्रेम करता हूं, निस्वार्थ प्रेम करता हूं, किंतु फिर भी मुझे स्वयं को एक छलिया, स्वार्थ, लालची दिखाना पड़ रहा है। ये ढोंग मुझे करना पड़ रहा है अपने प्रेम के लिए। अब आप कहेंगे कि क्यों कृष्ण ये सब करने की क्या आवश्यकता है? क्या राधा से विवाह करके तुम संतोष की सांस नहीं ले सकते? अवश्य ले सकता। राधा से विवाह करके मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा, किंतु मैं जानता हूं कि मेरी राधा प्रसन्न नहीं रह पाएगी, क्योंकि यदि यह विवाह हुआ तो उसके माता पिता, उसके परिवार को बरसाना त्यागना होगा। राधा के मन पर एक कभी न भरने वाला घाव लग जाएगा, दुख उसको छूपता रहेगा। वो ये जानती रहेगी, स्मरण करती रहेगी कि उसके कारण उसके माता पिता को इतने कष्ट भोगने पड़ रहे। अब राधा की पीड़ा की नींव पर कृष्ण संतोष का भवन भला कैसे बांध सकते हैं? क्योंकि जिनसे आप प्रेम करते हैं केवल उनकी भावनाएं नहीं, आपका प्रेम ही जिनसे प्रेम करता है उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। और कभी कभी अपने प्रेम को ऊंचा उठते हुए देखने के लिए आपको स्वयं को गिरते हुए दिखाना होगा। यही कुछ कार्य है जो आपको अपने प्रेम के लिए करने पड़ते हैं। राधे राधे।